चरणामृत बहुत पवित्र माना है और चरणामृत का स्वरूप क्या है क्योंकि तो दुर्लभ है। चरण दर्शन तो कईयों को मिल जाता है लेकिन चरणामृत किसी किसी को ही मिलता है, वो सबके भाग्य में नहीं होता। तो चरणामृत का एक स्वरूप तो यह है कि जिसको हम सब जानते हैं कि देवताओं के चरणों का प्रक्षालन करें और जो जल में प्राप्त होता है वो है चरणामृत। शिष्य गुरु के चरणों को धोता है और चरणामृत को वो ग्रहण करता है, अपने जीवन को धन्य मानता है। चरणामृत जिसको मिलता है तो उसके विचारों में दिव्यता आ जाती है। लेकिन चरणामृत का एक अद्भुत स्वरूप ये भी लगता है कि जब हम देवताओं के चरणों को धोएंगे, गुरुजनों के चरणों का प्रक्षालन करेंगे, चरणामृत लेते रहेंगे, इतने विनम्र मतलब बने रहेंगे तो उन्हीं की कृपा से एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि उपासक इष्ट के चरणों का ध्यान करें, शिष्य गुरु के चरणों का ध्यान करें और जब गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए उठते बैठते चलते फिरते उनके चरणों को जब हम मन में बसा लें, उनके चरणों को आंखों में बसा लें, तो इस प्रकार जो वैचारिक रूप से उनके सानिध्य बना है, क्योंकि चरणों का ध्यान करेंगे वैचारिक रूप से जब हम उनके निकट रहेंगे तो निकट रहने का मतलब ये होगा कि फिर हम शारीरिक रूप से उनके दूर होने पर भी हम ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे जो उनको पसंद नहीं है, हम अज्ञानकित रहेंगे। शारीरिक दूरी के बाद भी अज्ञानकित रहना ही तो अज्ञानकिता होती, ऐसा वही कर सकते हैं हमेशा के लिए तो जो कोई चरणों का ध्यान करता है, चरणों को मन में आंखों में बसा लेता है तो भीतर से उसकी निकटता बनी रहती है। तो इस प्रकार जब चरणों का ध्यान करते हैं तो चरणों का ध्यान करने वालों में एक ना एक दिन उनकी कृपा से वो दिव्य चिंतन प्राप्त हो जाता है जो उनको कहीं से नहीं मिलता, ऐसे रहस्य प्रकट होने लगते हैं जो किसी किताबों में नहीं मिलता। क्योंकि वैसे रहस्य ग्रंथों में या किसी पुस्तकों में या किताबों में रहस्य बाहर नहीं होता, रहस्य शरणागत शिष्यों के अंतःकरण में स्फुरित होता है, वो तब होता है जब वो चरणों का ध्यान करता है, वैचारिक रूप से वो नित्य निरंतर उनके चरणों के सानिध्य में रहता है, तब उनकी कृपा से शिष्य के बुद्धि में दिव्यता आ जाती है और जब रहस्योद्घाटन होता है, जब अद्भुत चिंतन शिष्य के अंदर से प्रकट होता है तो शिष्य को लगता है कि ये अद्भुत चरणामृत है। जैसे जल पीते हैं थकान मिट जाती है, उस तरह जब दिव्य चिंतन चरणों की कृपा से हमारे भीतर स्फुरित होता है तब जन्म जन्मांतर की थकान मिट जाती है। इसी को पूजा के आरंभ में तीन आचमन लिया जाता है, तीन आचमन के बाद हम पूजा आरंभ करें तो वो तो लेना ही चाहिए, जो हमारी वैदिक परंपरा है वो सब सही है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जब सदगुरु के चरणों का ध्यान चिंतन करके अपने विचारों में दिव्यता भर के जब हम कुछ कर्म करेंगे तो निसंदेह वो धर्म कर्म होगा।